बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ खुशी सिंह। बता दें कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अब कार्रवाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं स्टूडेंट का भी गुस्सा रोडों पर दिख रहा है। हर दिन प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, इसके साथ ही हर दिन रोडों पर स्टूडेंट निकल रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब इस पे अपना बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, तो पहले आप खुद सुनिए। नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। तो सुना आपने किस तरीके सम्राट चौधरी ने इस पर अपना बड़ा बयान दिया और कहा है कि बिहार में इस पर कानून बनना चालू हो गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इस पे कानून बन रहा है और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी प्रश्न पत्र लीक करने का काम किए हैं उन पर कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई अब होगी तो वो लोग जेल जाएंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश ने अब इस पे कानून बनाने के लिए, और इस पे कानून बन चुका है, जो लोग इस तरीके की प्रश्न पत्र लीक करते हैं एग्जाम के पहले उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और उन पर अब बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रहण सिंह की जयंती पर यहाँ पर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ मौजूद थे। इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने अपना बड़ा बयान दिया था नीट पेपर लीक मामले में। इससे मिलकर जो भी अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।